दोस्तों भारत और जापान के वैज्ञानिकों ने मिलकर के अपनी एक खोज में करीब 60 करोड़ साल पुराने समुद्र के कुछ ऐसे पार्टिकल्स को आइडेंटिफाई किया है जिनके बेसिस पर आज के जनजीवन को और ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मौजूदा वक्त में धरती पर जहां पर भी ऑयल रिजर्व मौजूद हैं उनको पता लगाना अब और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये जानते हैं इस खोज की सारी डिटेल्स, बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों पिछले कुछ वक्त से भारत और जापान के वैज्ञानिक हिमालय के कुछ पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च के दौरान उन्हें अब चट्टानों के बीच में बहुत साल पुराना समुद्री पानी मिला है। आपको बता दें मौजूदा वक्त में जहां पर हिमालय पर्वत है ऑलरेडी यहां पर एक टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, लेकिन जो समुद्री पानी की बूंदें मिली हैं ये उस समुद्र से कई साल पुरानी हैं। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पानी की मदद से मानव काल के जितना भी बड़ा इतिहास रहा है इसको पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वहीं वैज्ञानिकों ने बताया कि निकला हुआ ये पानी पृथ्वी के इतिहास पर एक बड़ी ऑक्सीडेशन प्रक्रिया का ही हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से करीब 70 से 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी बर्फ की एक मोटी चादर से ढकी हुई थी और धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, जिसके बाद कई स्पीशीज आए और धीरे धीरे मानव इस पृथ्वी पर बढ़ता चला गया। लेकिन खास बात यह है कि मिले समुद्री जल के अंदर बेसिक एसिडिक नेचर्स के साथ साथ सभी पोषक तत्व मौजूद हैं। ये ऐसा पानी है जो अधिक से अधिक ठंडी और अधिक से अधिक गर्मी भी बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन ये तो बात हो गई इतिहास की, आज के समय में इस वाटर सैंपल का इस्तेमाल किस तरीके से मानव जीवन को सरल करने में किया जा सकता है। जहाँ पर वैज्ञानिकों के मुताबिक सबसे पहले इस पानी की मदद से मानव इतिहास के पूरी साइकिल को पता किया जा सकता है कि एग्जैक्टली कहाँ पर मानव की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं और पहले हमारी धरती का स्ट्रक्चर कैसा था, कहाँ कहाँ पर लैंड ज्यादा थे, कहाँ पर समुद्री एरिया था, ये सारी चीजें अब बहुत ही बारीक से पता की जा सकती हैं। और दूसरा और बड़ा रीजन ये बताया गया है कि इसके बेसिस पर ये पता किया जा सकता है कि कहाँ पर ज्यादा आबादी रहती थी और कहाँ पर कम आबादी रहती थी और किसी ना किसी रीजन की वजह से वहाँ पर मानव जीवन डिस्टर्ब हुआ, वो चीजें जमीन के अंदर गई जो आज के समय में हमें क्रूड ऑयल के फॉर्म में मिलती हैं। और अब इस वाटर सैंपल के बेसिस पर जहाँ जहाँ पर भी ये वाटर सैंपल मिलेगा उससे ये क्लेरिफाई किया जा सकता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कभी ना कभी बड़ी कम्युनिटीज रहती थी जो आज के समय में मौजूद नहीं है और वहाँ पर सर्वे करके इजिली पता लगाया सकता है कि क्रूड ऑयल उस जगह पर है या फिर नहीं, क्योंकि आज के समय में क्रूड ऑयल के रिसर्च में बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए जाते हैं अलग अलग रीजंस के अंदर। लेकिन इस वाटर सैंपल से इजीली पता किया जा सकता है कि किस जगह पर क्रूड ऑयल मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फिलहाल अभी तक तो सिर्फ इतनी रिपोर्ट ही सामने निकल के आई है, आगे चल के इसके ऊपर कई और अपडेट्स आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो जरूर दिया जाएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। भारत का ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।